वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह और ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का वीडियो नंबर 3। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने मास्टर फार्मूले के बारे में, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो उसमें हमने अपने मास्टर फार्मूले के पहले एलिमेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सब्जेक्ट, कैसे पहचाने हिंदी वाक्यों में और कितने हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की हमारी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब, वर्ब ही है, मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब है, दैट यानी जो कि, ये सब हमारे कंजक्शन होते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, हेल्प्स द मेन वर्ब, हेल्प यानी मदद करना, मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की। तो मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कि मेन वर्ब की मदद करती है। ठीक, और कम्स बिफोर इट, मतलब उसके पहले आती, किसके, मेन वर्ब के। मेन वर्ब के लिए हमने एक प्रोनाउन इट का यूज किया है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है, अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब एंड कम्स बिफोर इट इन द सेंटेंस, जाहिर सी बात है किसी सेंटेंस में ही होगा, है ना। और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, और इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। आप कई बार ये शब्द सुनते होंगे, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो जो हिंदी डेफिनेशन है वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कि हमारी मेन वर्ब के पहले आती है किसी सेंटेंस में और मेन वर्ब की मदद करती है। अब बात ये आती है कि आखिर वर्ब की मदद कैसे करती है। तो मान लो हमारे पास कोई वर्ब है, जैसे जाना, मैंने गो बोल दिया। ठीक, तो अब गो याने तो जाना हुआ, तो मान लो हमने बोलना है जाओगे, मान लो हमें बोलना है गया था, मान लो हमें बोलना है जाना है, मान लो हमें बोलना है जा सकता हूँ, जाना चाहिए। ठीक, तो इस जाना के हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताएं, ठीक है ना, जाना चाहिए, जाना है, गया था, जाना था, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जा सकता था, और क्या मैंने बोला, जाता था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो मतलब इसके हम कई रूपों की बात कर रहे हैं किसी भी वर्ब के। तो क्या है कि वर्ब में इतनी अभी पावर नहीं है कि वो अपने आप को कई रूपों में बता सके। हालांकि हमारे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन वो अकेले तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ली जाती है जो कि इन 5 फॉर्मों की क्या करती है, मदद करती है। तो मेन रूप से जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो किसी वर्ब को 2 तरह से मदद करती है। पहला होता है हमारा टेंस में, टेंस मतलब मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काल की बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, किसी समय में हमारी किसी वर्ब की हेल्प करती है, कौन, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी चीज़ होती है मूड में। ओके, तो टेंस और मूड में हमारी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब टेंस आप सीधे टेंस से समझिए और मूड यानी आप इसको मॉडल से समझिए, ये क्या है हमारे मॉडल्स। ओके, मॉडल्स और टेंस, इसमें हमारी वर्ब आती है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारी मेन वर्ब हमारे पास हो, ठीक है ना। वर्ब होगी तभी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आती है। और अगर हेल्पिंग वर्ब अकेले आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो है हमारी मेन वर्ब। तो हमने अभी समझा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब वर्ब की मदद कैसे करती है। एक बार और बताता हूँ, वर्ब को कई काल या फिर कई मूड बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब जैसे मुझे जाना चाहिए, मैं अपने मूड के बारे में बता रहा हूँ, हाँ मुझे जाना चाहिए, अब मुझे चल देना चाहिए। ठीक, मैं अपने मूड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम सिर्फ गो नहीं लगा सकते, गो की मदद करने के लिए एक नई चीज़ आएगी जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने जैसे बोला कि मैं गया था, ठीक, मैं गया था, तो मैं एक समय की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं गया था, मैं बहुत पहले वहाँ गया था, ठीक, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो मैं एक समय की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। तो हमारे पास मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कितनी, 24। अब आपको हर बुक में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब मिले, कहीं आपको 23 मिल सकती है, कहीं आपको 22 मिल सकती है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, आप गिनेंगे भी नहीं। तो मेन रूप से जो यूज़ होती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं, वो होती हैं हमारी 24। अब इन 24 के अंदर कहीं आप 2 लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब में,
कहीं आप बी लगा देंगे, कहीं आप हैव लगा देंगे, तो इनके और बन जाते हैं। ओके, तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से। तो ये हैं हमारी 24 हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, अब हम इनकी हिंदी देख लेते हैं। तो ये टोटल कितनी है? 24। तो कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितनी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आप 24 ही बोलेंगे। ठीक है ना, मेन इतनी ही होती है। अब इनमें जैसे मस्ट हैव लग गया, माइट हैव लग गया, ये है हैव लग गया, इन सब में बी भी लग जाएगा, इनमें टू लग जाएगा। ठीक, तो ये और हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, तो सबके यूज हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी हम इसका बस बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। हमें सिर्फ अभी बेसिक का यूज है, जितनी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये सभी हम फिर से वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, और इन सब के यूज़ भी पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ये सब पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.gyanimani.com पर आपको ये सब पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको हर चैप्टर के वहाँ चैप्टर वाइज ई नोट्स मैं अवेलेबल कराता हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर एक बार खोल कर देंगे, क्योंकि वो सब मैंने खुद बनाए हैं और एकदम सरल भाषा में बनाए हैं, हर एक इंसान के समझ में वो आ जाएगा। तो अब मेन बात आती है कि हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपकी पहचान ही है। पहचान कैसे हैं? है, हूँ, हो, ये सब क्या है हमारे बता रहे हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे। मेन पहचान मैंने सब्जेक्ट क्या बताई थी, हम सेंटेंस में कौन किसे किसको लगा देंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की पहचान ये है कि आप सेंटेंस के लास्ट में देखिए, कहाँ? सेंटेंस के लास्ट में। जैसे ही आप सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे आपको इनमें से कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, बस यही तो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, और हमारे मास्टर फार्मूले के हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर अपनी हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा कोई सेंटेंस है, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, तो इसमें चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट हम पहचानते कैसे हैं? कौन, किसे और किसको, हम सेंटेंस में इन तीनों को लगाते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो कौन इंग्लिश बोलना चाहिए? नहीं मिला। किसे इंग्लिश बोलना चाहिए? आपको। किसको इंग्लिश बोलना चाहिए? आपको। तो हमें एक शब्द मिल रहा है आपको, ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब हमें क्या देखना है अपने मास्टर फार्मूले के हिसाब से? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, ये मास्टर फार्मूला है। सब्जेक्ट हमने देख लिया, अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने ढूंढने के लिए क्या बताया है? सेंटेंस के कहाँ मिलेगी? लास्ट में, जहाँ सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है, तो सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? चाहिए। ठीक है ना, तो चाहिए की तीन मीनिंग होती हैं इंग्लिश में, क्या क्या? शुड, मस्ट और ऑट टू, अभी मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम वो क्या होता है? हमारा शुड, और ये है क्या? हमारा ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब बात आती है मेन वर्ग। मेन वर्ग यानी काम क्या हो रहा है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेन वर्ग को कैसे पहचानना है, कई प्रकार से पहचानेंगे। तो मेन वर्ग क्या है यहाँ पर? बोलना, इंग्लिश तो है नहीं, बोलना एक काम है, तो ये क्या है हमारी? मेन वर्ग। और बाकी जो बचा कुछ है ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, ये हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंशन क्या है। ओके, अभी सिर्फ आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ग पर फोकस करिए। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिला, तो आपको को क्या बोलते हैं? आपको को मैंने बताया है यू ही बोलते हैं, तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपको, सबको यू बोलते हैं, चाहिए को शुड बोलते हैं। ठीक, बोलना तो स्पीक होता है भाई, ये तो पता ही है, और इंग्लिश को तो इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो अब हम अगर सेंटेंस को अपने ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट यू है। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? लास्ट में मिलेगी, क्या है हेल्पिंग वर्ब? शुड। अब हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ है? ये रही, मेन वर्ब कहाँ होती है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले होती है। ओके, ये हम कल ये हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कई बार क्या होता है बहुत सारी वर्ब आ जाती हैं। ओके,
तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, स्पीक, और स्पीक का हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं। और फिर हमारा बचा कुचा क्या है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, बचा क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया आपके सामने, यू शुड स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। और ये हमने कैसे बनाया है, अपने इस फार्मूले की मदद से, इसीलिए तो इसको मास्ट फार्मूला बोलते हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए है ना, जैसे मेरे सेंटेंस में मैं तैर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैं तैर सकता हूँ, मेरे पावर की बात हो रही, मेरी क्षमता की बात हो रही, मेरी हिम्मत की बात हो रही कि हाँ मैं तैर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, मैं। तैर कौन सकता है, कौन जो है जो तैरने वाला है, मैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी आई, ठीक है ना। अब सकता हूँ हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जाके। सेंटेंस के लास्ट में हमने कहा हूँ, देखा हूँ हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। हूँ कब हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब टेंस की बात करें, ठीक। अभी तो मैंने लिखा था एम यानी हूँ होता है, लेकिन वो नहीं है, हमें पूरा देखना है उसको पहले, कब कब तक देखना है, जब तक कि वर्ब ना आ जाए, ठीक। तो सकता तक हमने गए, फिर वर्ब आ गई हमारी। तो सकता हूँ क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है। तो सकता हूँ को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, वहाँ लिखा था मैंने कैन बोलते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, कैन आएगा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब, इसकी मीनिंग लिख दी, इन दोनों की मीनिंग लिख दी, बचा कौन, तैरना। तैरना क्या बोलते हैं, स्विम बोलते हैं। तो आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ। ओके, अब ये जो हमारे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और नीड, डेयर, यूज टू, ये होते हैं 13 हमारे पास मॉडल होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। और एक नियम हमारे पास होता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब के फॉर्म के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, जब हम आ जाएंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब चैप्टर में। ओके, अभी के लिए आप इतने याद रखिए, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जब तक उसके साथ हैव या फिर बी नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरह आप हेल्पिंग वर्ब को आसानी से किसी भी सेंटेंस में पहचान सकते हैं और आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है कई प्रकार की होती है, ठीक। तो प्रकार के बारे में जो भी हम बात करेंगे वो हम आगे करेंगे, जब वर्ब में पढ़ेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से पढ़ना है। अभी बस हम हेल्पिंग वर्ब का क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं कि बेसिक आइडिया क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, आप वहां जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब पहचानिए। और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 24 की 24 आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर रटने को बोला हूँ, कई लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो भैया, रटना थोड़ी है। तो मैं रटने को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रटने बैठ जाओ, ठीक। आपके ध्यान में होनी चाहिए 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। आपको याद होनी चाहिए इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और नीड, डेयर, यूज्ड टू, 24 हो गई। अब इनमें से क्या है, 13 मॉडल है, मैंने अभी बताया 13 मॉडल है, प्राइमरी आपकी होती है 11 और बाकी जो बचे टोटल 24 हो गया, और बाकी तो बचे टोटल हो गए आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कहीं कहीं तीन प्रकार की भी होती हैं, मैं आपको तीनों दोनों सब प्रकार बताऊंगा, लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे वर्ब के चैप्टर में। फिलहाल आप बस इतना समझ रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब ये सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने मेन वर्ब के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार हमारा मास्टर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर फार्मूला क्या होता है, ये किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करने का एक फार्मूला होता है। इसकी मदद से हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकें। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ये वीडियो देख लिया, फिर ये वीडियो देख लिया, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।